हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये मास्क बनाया है। इस तरह से आप खोलकर इसे लगा सकते हैं। जब हम इसे लगाएंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, तो इसे हमारा चिन और नोज दोनों कवर हो जाएंगे। तो इस तरह का ब्यूटीफुल सा मास्क बनाना शुरू करते हैं। इसे बहुत आसान तरीके से बना लिया है। तो आज हम इस तरह के छोटे कपड़े में से मास्क बनाएंगे। इस मास्क को बनाना बहुत आसान है, ना आपको इसमें कोई कटिंग करनी है। सिर्फ चौकोर पीस कट करके आप इस मास्क को बना सकते हैं, जो बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। इसे हम वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश, वॉशिंग मशीन वॉश, किसी से भी वॉश कर सकते हैं। इजीली वॉश करने के बाद इसे आप दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कपड़ा देख लेते हैं कि हमने कितना कितना लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ रखी है वो मैंने ली है 7 इंच, और इसकी जो लेंथ रखी है वो रखी है मैंने 8 इंच। 7x8 का मैंने इसको रखा है। तो अब हम एक पीस को सीधा रखेंगे इस तरीके से, और एक पीस को हम इसमें उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और इस पर हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो हम इसे सिल लेते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। दोनों साइड से सिलाई लगाई है, तो इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे हाथ से इस तरह से इसे बिठा लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ से 1-1 इंची का गैप छोड़ते हुए इस तरह से, और इसे हम इस तरह से कर देंगे। तो ये देखिए, 1 इंची का गैप छोड़ा, इसमें एक प्लेट लगाई। अब हम फिर से दूसरी प्लेट लगाएंगे। आप चाहे तो इससे छोटी छोटी प्लेट्स भी लगा सकते हैं, इस तरह से आएगा ये। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 प्लेट लगाई हैं एक जैसी। जितना जितना मैंने इस साइड में स्पेस छोड़ा है, उतना ही मैंने इस साइड में छोड़ा है। ये देखिए, दोनों साइड में इसी तरीके से, इस साइड में, इस साइड में। तो मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 प्लेट्स लगाई हैं इस तरीके से। अब हम कॉटन का कपड़ा हो तो आप इस तरह से हाथ से भी इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। अब हम एक सीधी सिलाई यहाँ लगा लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, और ये देखिए इस तरह से आया है। तो अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे दोनों साइड में। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंची की पट्टियाँ ले ली हैं। तो इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, इस पर भी सिलाई लगाएंगे। तो इसको मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, दोनों कपड़ों को मैंने इस तरह से रख कर सिल लिया है। तो अब हम जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा फोल्डिंग में जाएगा। इसे फोल्ड करेंगे इसी तरह से, इससे कट कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे इस तरीके से, और इस साइड से भी हम इसे इस तरह से रखेंगे। अब हम एक फोल्ड इस तरीके से लगाएंगे, और एक फोल्ड हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, और इसकी किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें इस साइड में भी करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों पट्टियों को सिल लिया है। तो ये हमारा मास्क है वो इस तरीके से आएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7-7 इंची की ये इलास्टिक लिए हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सेफ्टी पिन। पे 1 से 2 सिलाई लगा लेंगे, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम इस साइड में भी इसे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 से 3 सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसे इस तरीके से अंदर कर देंगे, जिससे ये चुभेगा नहीं।
तो ये हमारी इलास्टिक एक साइड में लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने इलास्टिक लगा ली है इस तरीके से। तो ये हमारा मास्क इस तरीके से आएगा, इस तरह से। जब हम इसे मुंह पर लगाएंगे तो हमारा इस तरह से खुल जाएगा। तो ये देखिए डबल साइड मास्क है, दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं। और ये देखा होगा आपने कितना ही आसान है इसे बनाना। सिर्फ 8x7 के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं और उसमें प्लेट्स लगाते हुए उसे सिल लिया है। तो बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।